हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल मौर्या एंड यू आर वाचिंग एकांश टेक। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट मेनू, और हम लोग इसका आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्जिन ऑप्शन। सबसे उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके भी पहले हम लोग एक काम करते हैं, रिव्यू व्यू में जाता हूँ और मैं यहाँ पे रूलर्स ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे पेज में रूलर्स आ जाएगा इस तरीके से, इससे मार्जिन को समझने में थोड़ा आसानी होगी। अभी हम लोग लेआउट में जाते हैं। तो लेआउट में यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ये नॉर्मल है। नैरो ऑप्शन में देखो क्या हो जाएगा, मार्जिन किस तरीके से हम लोग, ये जो ये पेज दिख रहा है, ये ऊपर का जो टॉप का ये जो स्पीड स्पेस दिख रहा है, जो लेफ्ट में इतना स्पेस दिख रहा है, राइट में इतना स्पेस दिख रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्पेस हम लोग और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मार्जिन नॉर्मल है, मैं नैरो करता हूँ। नैरो करने पे देखो ये यहाँ पे इस तरीके से हम लोग और ज़्यादा स्पेस यूज़ कर लिए। तो अगर इसको मैं नॉर्मल रखता हूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, ये पूरा पेज ले रहा है। अभी समझ लो मैं और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 5 पैराग्राफ और लिया, तो अभी देखो ये हमारे पास 2 पेज हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं इसको नैरो करता हूँ, अभी आप ध्यान दोगे तो ये दूसरे पेज में भी 4 पैराग्राफ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको नैरो करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो देखो अभी सिर्फ वहाँ पे 3 ही पैराग्राफ बचा हुआ है, 1 पैराग्राफ क्या होगा, ऊपर एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग मार्जिन यहाँ से अपने हिसाब से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। अभी हम लोग ओरिएंटेशन अपना पोर्ट्रेट लैंडस्केप में हम लोग, अभी आपको पूरा समझना तो आप फाइल में जाओ और यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करो, तो आपको देखो इस तरीके से दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। ये आपका क्या है, पोर्ट्रेट में है। अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप में ले सकते हैं। तो पेज हमारा क्या हो गया, अभी ये पेज हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप में हो गया। फाइल में जाओ, प्रिंट में हम लोग इस तरीके से अपना पेज देख सकते हैं। उसके बाद है साइज़। साइज़ हमको कैसा चाहिए, अपने पेज का साइज़ कितना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो लेटर साइज़ है। मान लो अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो हमारे बुक का साइज़ होता है, वो समझ लो हम लोग A4 साइज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे A4 साइज़ दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये A4 साइज़ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग साइज़ अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो साइज़ चाहिए पेज का, हम लोग वो साइज़ चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉलम। तो अभी ये पूरा टोटल एक कॉलम में दिखा रहा है, हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज आपको दिखाएगा। 3 कॉलम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा कॉलम, तो मैक्सिमम 3 कॉलम हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। 3 कॉलम से ज़्यादा चाहिए तो मोर कॉलम्स में जाके हम लोग यहाँ पे नंबर्स बढ़ा सकते हैं। जितना कॉलम मुझे चाहिए मैं उतने कॉलम्स ले सकता हूँ। तो कॉलम ऑप्शन था। उसके बाद ब्रेक है। ब्रेक में नॉर्मली जो हम लोग यहाँ पे होम के अंदर, होम या इंसर्ट, हाँ इंसर्ट के अंदर हम लोग जो पेज ब्रेक देखा था, सिमिलर ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लेआउट में देखते हैं, सिमिलर ऑप्शन है, तो आप एक एक करके देख सकते हैं। ब्रेक पेज ब्रेक करेगा, कॉलम ब्रेक करने के लिए वो सब यहाँ पे एक एक ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज, तो एक एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, बट एट द एंड यही है कि वो पेज ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में लेके जाता है आपको। उसके बाद है लाइन नंबर। तो अगर मान लो आपको लाइन नंबर पूरे पेज पे देना है, तो हम लोग अभी यहाँ पे ये नन है, मैं इसको कंटिन्यूस करता हूँ, तो देखो ये पूरे पेज पे क्या दिखाएगा, ये लाइन नंबर दिखाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है इसमें रिस्टार्ट ईच पेज। तो अभी देखो ये एक पेज यहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके आगे भी गया। रिस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से नया स्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट ईच सेक्शन, तो अगर आपने सेक्शन वाइज लिख के रखा है, ये मेरा एक पार्ट है, नीचे दूसरा पार्ट लिखा हो, तो वो सेक्शन वाइज दिखाएगा वहाँ पर रिस्टार्ट ईच सेक्शन। सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ, मान लो अभी मुझे ये यहाँ तक है, मुझे इस पैराग्राफ पे लाइन नंबर नहीं दिखाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे करूँगा सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ पे लाइन नंबर नहीं दिखाएगा आपको। तो ये ऑप्शंस है, लाइन नंबर ऑप्शंस में जा करके आप यहाँ पे सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं, कहाँ पे टॉप सेंटर कैसे रखना है वो हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग हाइफनेशन देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं ऑटोमेटिक हाइफनेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शायद हाइफनेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग अगर मैनुअल हाइफनेशन देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हाइफनेशन इज़ ऑलरेडी कंप्लीट। एक काम करता हूँ, अगर मान लो मैं गूगल पे गया और यहाँ से कुछ कंटेंट मैं कॉपी करके लाता हूँ, कॉपी करके लाने के बाद अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक
ठीक है, पेस्ट किया तो देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ, एडजस्ट कर दिया यहाँ पे हाइफनेशन, दिख रहा है इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंटिटी, यहाँ पे हाइफनेशन दिखा रहा है, यहाँ पे हाइफनेशन दिखा रहा है डिसीजेस प्राइवेटली, तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली उसने हाइफन क्या किया यहाँ पे दिखा दिया। अगर मान लो नन करना है मुझे, तो देखो नन किया तो यहाँ से देखो ये हाइफनेशन यहाँ से गायब हो गया, जहाँ जहाँ पे भी हाइफनेशन था गायब हो गया। अगर मुझे मैनुअल हाइफनेशन देखना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो यहाँ पे हाइफनेशन अपने को दिखा रहा है इंडिपेंडेंटली। अगर चाहिए तो यस, नेक्स्ट डिसीजेस, तो यहाँ पे डिसीजेस पे भी दिखा रहा है, नहीं चाहिए तो हम लोग नो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइफनेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन है इंडेंट पैराग्राफ। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे मार्जिन्स देखे थे ये पूरे पेज के लिए था, हम लोग इसको भी पूरे पेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लो अगर मैं इसको या फिर इसको सिर्फ पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, मान लो सिर्फ इस पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, लेफ्ट में 0-0 है, मैं यहाँ से यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ, देखो लेफ्ट से मूव हो रहा है, राइट से भी इसको मुझे शॉर्ट करना है, राइट से भी इसका मार्जिन कम करना है, आफ्टर बिफोर से भी हम लोग इसका मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे इसको पूरे पेज के लिए भी अप्लाई करना है तो पूरे पेज को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से पैराग्राफ का स्पेसिंग मार्जिन हम लोग इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये जो अरेंज ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।